यहाँ आज हम अपनी जिंदगी का जो है पहला प्लॉट लेने जा रहे हैं, उसी का रजिस्ट्रेशन है। बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे तो पहुंच गए थे हम रजिस्ट्री ऑफिस, और यहाँ का हाल देख सकते हैं जी, कुछ यह हाल है सरकारी ऑफिस का। और इस जमीन को खरीदने में जो है अब हमारी सारी कमाई खत्म हो चुकी है, अब हम जीरो बैलेंस में है, समझ सकते हैं जी। तो जी काली माता को वहाँ पर अपना प्रसाद चढ़ा लिया है और क्रियांश कर रहा है जय जय, बहुत मजे से खेल रहा है। अब क्रियांश कितना बार प्रणाम करेगा? नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी हम लोग हैं ऊपर, और ऊपर देख सकते हैं क्या जबरदस्त बारिश हो रही है, माहौल भी एकदम पूरा हरा भरा हो चुका है। और हमारा जो पौधा है, लग रहा है कुछ दिनों की ड्यूटी जो है अब थोड़ी सी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पानी प्रॉपर पौधे में डल रहा है और हमारा पौधा कितना हरा भरा लग रहा है। तो थोड़ी बहुत गंदगी भी आई हुई थी पत्ते के ऊपर, वो सब के ऊपर देख रहा हूँ सारा साफ हो गया है। और इधर देखिए माहौल कुछ ऐसा माहौल है, इधर मजा आ रहा है जी। ओए क्रियांश, यहाँ क्रियांश भी आ गया, बारिश में देख के खुश हो रहा है। क्रियांश को भी छोड़ दिया जाए बारिश में, ओ भाई साहब मजा आ जाएगा, हल्का मचा देगा ये हल्का। इसका जंतर अंतर कर दो, ये धागा थोड़ा चेंज करो आपका, हाँ कर दो, पुराना हो गया अभी ये। ओए क्या चल रहा है, खाली छत पर से थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है दिखा दो एक बार। तो क्रियांश भी थोड़ा सा आया है बारिश देखने के लिए, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब इसको बारिश में छोड़ देंगे नहाने के लिए। अभी डर लगता है कि जुकाम ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए, दिक्कत हो जाए। मम्मी सोच रही है नहाने के लिए आए, हाँ आए या नहीं आए, हम जा रहे हैं। तो जिया जो है क्रियांश को रख दी नीचे, और नीचे जा करके रख दी, सोची कि ऊपर आकर के जो है थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेंगे, रील्स सब बनाएंगे। और जैसे ही आई, आजकल रील्स में जैसे ही खोलिए गाना, सिर्फ बारिश का, सिर्फ बारिश का, सावन वाला कंसेप्ट जो चल रहा है वही चीज, तो हम भी बना लेते हैं। और जैसे आए बारिश खत्म, बिल्कुल बारिश हुई है ना कि मैं अपने मोहल्ला का सर्फ दिखाऊंगी, पूरा पानी से भरा हुआ है। तो बारिश का कुछ ऐसा हाल है देख सकते हैं जी, पूरा पानी भर चुका है इधर से उधर। तो अभी हम लोग आए हुए छत पे क्रियांश को लेकर के, क्रियांश भी आ गया है। क्रियांश अच्छा लग रहा है आपको? क्रियांश पापा से डर रहा है, क्रियांश आज ड्रोन से डर रहा है। हाँ, जबकि पहले खेलता था बचपन में, ये कैसे ड्रोन उड़ता था एकदम करता था, हाँ अब डर रहा है, डर रहा है, कोई नहीं उसको गोद में ले लेते हैं। तो फाइनली क्रियांश का डर हो गया खत्म है, क्रियांश डर खत्म हो गया। हाँ अभी क्रियांश बहुत डर रहा था और बहुत एंजॉय कर रहा है। बोलो ये देखो सामने ड्रोन है, अब नहीं डर रहा, डर खत्म, बम हो गया, डर बम हो गया। हाँ अब कर, आओ ड्रोन को बुला रहा है, आओ आओ आओ। Two hours later. तो अभी बज गए हैं जी दोपहर के 3, और हम लोग जाने वाले हैं रजिस्ट्री ऑफिस। जी हाँ, रजिस्ट्री ऑफिस के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे क्यों जा रहे हैं, वैसे थंबनेल और टाइटल से जो है आपको पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, आज हम अपनी जिंदगी का जो है पहला प्लॉट लेने जा रहे हैं, उसी का रजिस्ट्रेशन है। बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन सोचा कि जब पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप लोगों से शेयर करेंगे। और आज का जो यह दिन है हम सोचे कि कैप्चर किया जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए, और हमारा बेटा भी जो है साथ में, सोच रहे हैं उसको भी लेकर के जाए, वहाँ भी देखिएगा कि पापा जब रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए थे तो हम भी साथ गए हुए थे, तो सब कुछ बेटे के लिए ही हो रहा है। तो चलते हैं उसी बेटे को लेकर के, मम्मी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मम्मी भी वहाँ चले, कि मम्मी कह रही है मेरा क्या वहाँ जरूरत है, वहाँ एक आदमी का खाली साइन कर रहे हैं। लेकिन आपका पोता तो जाने के लिए तरबतर है, मेरा पोता वहाँ नहीं बजा क्या बोले माँ, ऐसे तरक्की करो, मस्त रहो, एक नहीं 10 जमीन खरीदो। चलो देखो, ये खरीदने में ही पूरा जमा पूंजी हमारा खाली हो गया है, अब भर जाएगा, भरते जाओ, खाली करते जाओ, अच्छे काम के लिए, ठीक है, अच्छे काम के लिए खाली करते, ठीक है। इसको नहीं ले जा रहे थे पहले से जाके तैयार, बोले चलो तो निकले थे जाते, ये इतना गुंडा है जिसको घेर के रखे तो नहीं रहा। पापा अभी एक खरीद रहा है, इस उम्र में मेरा पोता 5 खरीदेगा। ये देखिए कैमरा देख रहा है। तो पहुंच गए थे हम रजिस्ट्री ऑफिस, और यहाँ का हाल देख सकते हैं जी,
कितना भीड़ है यहाँ पर, अच्छा खासा भीड़ है और पानी भी अच्छा खासा जम चुका है। चलो आओ जी, कुछ यह हाल है सरकारी ऑफिस का, तो चल रहे हैं। जाइए। क्या कर रहा है प्रियांश? प्रियांश क्या कर रहा है, सुनो ना मेरी बात। One hour later. तो फाइनली जी रजिस्ट्री ऑफिस में तो हमारा काम हो गया और उसके बाद जो है वहाँ से आ गए। वहाँ पर कुछ भी नहीं शूट किया, आपने देखा होगा माहौल कितना ज्यादा वहाँ पर हबगब था यह चीज। और प्रियांश को लेकर के मैं बैठ गई थी और बारिश से पानी इतनी ज्यादा हो गई थी ना, प्रियांश खेल रहा था सबके साथ वहाँ पे, उसको तो लग ही नहीं रहा था अंजान आदमी। बिल्कुल। और पापा को देखा तो जोर से चिल्लाया। हाँ जी, पापा भी वहाँ पर आए हुए थे क्योंकि कोर्ट बगल में ही है, तो वहाँ से हम लोग आ गए हैं यहाँ पर मिठाई लेने के लिए क्योंकि काली माता को प्रसाद चढ़ाना है, तो लेते हैं। तो मिठाई तो हो गया जी हमारा लेना। 20 minutes later. हम लोग पहुँच गए जी काली मंदिर, आते हैं और यहाँ कुएं के पास आ गए हैं, यहाँ पर आकर के अपना पैर धोते हैं और जल लेकर के सीधा चलते हैं अंदर। यहाँ पे इससे पैर हाथ धोया जाता है और पैर हाथ धो करके हम लोग अंदर चलेंगे। क्रियान भी शूज पहना है, शूज को निकाल के जाएगा। जय क्रियास कर रहा है, जय जय मंदिर माँ की क्रियास कर रहा है, जय जय। तो जी काली माता को वहाँ पर अपना प्रसाद चढ़ा लिया है और क्रियास कर रहा है, जय जय। बहुत मजे से खेल रहा है, तो अब इसके बाद जो है प्रसाद लेकर के देख रहे हैं, जय जय कर रहा है, अभी भी जय जय कर रहा है वह। क्रियान अच्छा फिसल गया, फिसल गया, गीला है यहाँ पर। ओए होए, चलो चलो चलो। तो फाइनली हमारा पूजा पाठ हो गया और सब कुछ हो गया, अब चलते हैं यहाँ से। क्रियांश और क्रियांश के पापा का भी बहुत सारा फोटो हमने लिया है जो कि इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करूँगी। यहाँ पे बारिश हुई है तो थोड़ा सा। क्रियांश क्रियांश क्या कर लियो? क्रियांश इतना खुश है जैसे कि इसको आज कल सब कुछ समझ आता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे समोसा लेने के लिए, यहाँ का समोसा काफी अच्छा होता है, हमने सोचा सबके लिए शाम का आज नाश्ता में समोसा ही होना चाहिए। पीछे ले रहे हैं क्रियांश, क्रियांश के लिए क्या ले रहे हैं? क्रियांश के लिए देखा जाएगा, इसके लिए चॉकलेट है घर में बहुत सारा। ये देखो, तो हम लोग घर आ गए और क्रियांश जब से मंदिर से आया है सबको प्रणाम कर रहा है। प्रणाम तो कर रहा है, उसे नहीं मिठाई पड़ी। भागेगा वो, बुआ को दे करो, दे दे बुआ ले जाकर कर दे दे, उठा 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 खड़ा करो तब दे करेगा, दे करो बुआ को, दे 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 जाकर बुआ को, देखो दे कर रहा है, दे आपको दे, अरे दे अब इतना प्रणाम करते हो, दे तो अपनी बुआ को प्रणाम कर रहे थे। अब क्रियांश कितना बार प्रणाम करेगा? पंडित जी जब तक जय तय बतिया जय जय यहाँ पे जब हम रूम आए तो देख सकते क्रियांश को क्या कर रहा है। क्रियांश क्रियांश वैसे पापा का वार्डरोब कवाड़ा बना हुआ है, और बना दो और बना दो, पापा का सारा टी शर्ट यहाँ फेंक दिया। हाँ क्रियांश हटिए, बंद करिए वार्डरोब, चली गली, देख रहे ना कैसे कैसे कर रहा है लड़का, सारा सामान फेंक रहा है। तो यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ और पति देव उधर काम कर रहे हैं और क्रियांश जो है नीचे, सारा गुस्सा ठंडा हो गया, देखिए कैमरा ऑन होते हैं। क्रियांश का टीवी देखा हुआ हो गया, अब ये ऊपर आने के लिए परेशान हो रहा है क्योंकि इसको पापा का लैपटॉप चाहिए, इसलिए परेशान हो रहा है, देख किधर से झांक रहा है। ये कहाँ से लाए बेटा, ये कहाँ से लाए? yeah.
The next day. तो सभी लोग जी यहाँ पर इकट्ठा है और देख सकते हैं हमारा बेटा लाल जो है हमारी गोद में है और यहाँ पर बहुत ही एकदम बदमाशी कर रहा है। तो इसको हम गोद में ले लिए, पहले सोचे कि इसको नीचे रख करके ही शूट करते हैं, लेकिन ये शूट करने नहीं दिया। तो आज बहुत खुशी है जी, तो खुशी इस बात की है जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा कि अपनी कमाई से जो है पहला जमीन हमने खरीद लिया है और इस जमीन को खरीदने में जो है अब हमारी सारी कमाई खत्म हो चुकी है, अब हम जीरो बैलेंस में है, समझ सकते हैं जी। उसके बाद जो है यह खुशी जो हम देख रहे हैं, इस खुशी को हम दोबारा ले रहे हैं। यह खुशी एक बार और हम महसूस किए हैं और वह खुशी था तब जब मम्मी पापा ने अपना जमीन लिया था, बहुत छोटे थे हम, लगता है शायद हम 5 साल 4 साल के होंगे उस समय, शायद इतना ही होगा, उसके ज्यादा नहीं होगा। वो चीज इसको ले लो गोद में, तो काफी अच्छा लग रहा है। और कुछ कहना चाहिए तो बताओ तुम दोनों अपने साइड से। ये तो कहने का हर माँ के लिए इससे बड़ा खुशी का पल हो नहीं सकता, उसका बेटा विकास कर रहा है। और जहाँ तक मेरी बात थी तो उसमें हम 1000 में खरीदे थे और अभी लाखों में आ गया उसका कीमत, और हमारा पोता करोड़ों में पहुँच जाएगा। चेंज सिस्टम है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, यह कोई नई बात नहीं है। और कोई बच्चा अगर विकास करता है तो अगर जो कोई भी अच्छे लोग हैं तो परिवार में खुशी का माहौल रहता है। और माँ बाप की तो हम ये कहना चाहते हैं हर माँ को ये खुशी मिलनी चाहिए और सबका बच्चा इसी तरह विकास करे। और भगवान से मैं दुआ करती हूँ कि किसी के बच्चे किसी से पीछे न रहे। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं जिस ब्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं, क्रियांश को जल्दी से गोद में ले लेना है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से आपका हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।